अगर आप सोने से पहले गिनती करके सोते हैं, हवा वो पैसों की हो या कारपोच में, पार्किंग में गाड़ियां हमने अपनी खड़ी की हों, बैंक बैलेंस हो, कोठियां, बंगले, यानी कि अगर हम कुछ भी काउंट करते हैं, अगर बहुत छोटे लेवल पर बात करूं, माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर यूट्यूब चैनल को ग्रो कर रहे हैं या फिर आप यूट्यूब पर एक इंस्पेक्टर की तरह आते हैं और आप ये इंस्पेक्शन करते हैं कि किसका चैनल ग्रो हो रहा है और किसका नहीं, फिर आप ये भी सोचते होंगे इस चैनल में व्यूज़ कम हैं, फिर आप ये भी सोचते होंगे कि इस चैनल पर ये कमी है और अगर ये कंटेंट, ये वीडियो, ये सेशन, ये सेमिनार इस अंदाज से नज़र आए तो ये वायरल हो जाएगा। KH सहाफत चैनल के सेशन पर आप सबका फिर से मोस्ट वेलकम है। हेयर आई एम माविया तारिक, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच। 3 स्टेप में अगर आपके साथ मैं डिजिटल स्ट्रेस को थोड़ा सा शेयर करूं, ये बढ़ चुका है। ये किस तरह से बढ़ चुका है? तो नंबर 1 स्टेप बहुत ही सिंपल है, जो कहता है कि हमारा स्कोर की गेम में अपने आप को एक मुकाबले में, एक वो मुकाबला कि जो हमारा नजर नहीं आता और एक वो मुकाबला कि जो दिखाई देता है। नंबर 2 स्टेप में थोड़ा सा मैं एक खुफिया, एक राज के मुकाबले के बारे में शेयर करूं। चूंकि डिजिटल स्ट्रेस एक ऐसा तनाव है कि जिस तनाव में हम अपनी नींद को भी, यानी कि अपने चैन को भी, अपने जॉब, अपने काम, यानी कि हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, फना हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, अपनी किस्मत के साथ लड़ रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। नंबर 2 स्टेप क्या है कि हम ना इस तनाव में, ये नहीं है कि हम अपने सर को पकड़ेंगे, बल्कि इस तनाव में हम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएंगे। नंबर 3 स्टेप, इससे किस तरह से ओवरकम किया जाए, बाहर निकला जाए, बहुत ही सिंपल है। डिजिटल स्ट्रेस यानी कि आप जैसे ही स्कोर की गेम, स्कोर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जब स्कोर कम हो जाता है, जिस तरह से मिसाल लूंगा, एक आखिर में हम मैच देखते हैं, अगर कोई खिलाड़ी स्कोर नहीं करता तो उसको मैनेजमेंट से और उसको टीम से निकाल दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से यही हमारा, अगर अपने आप पर जो हम डिजिटल स्कोर को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर एक सिंगल एक शख्स पर अगर इस असूल को लागू किया जाए, तो ये हरगिज़ नहीं कि हम अगर जिस दिन स्कोर ना कर पाए, कभी ना कभी माय डियर फ्रेंड्स काम ठंडा होगा, कभी काम ज़्यादा होगा, इसमें कोई भी, यानी कि हमारा अपने आप को रिलैक्स रखना, मोटिवेट रखना ही डिजिटल स्ट्रेस से ओवरकम है। इसी तरह से मेरे सेशन का होता है अख्ताम, आप सब बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम।